आज के समय में आप ईसाई बन गया हो, एक धर्म के ईसाई बने, कैसे ईसाई बने? हमारा धर्म हम ईसाई हुए हैं, बताइए आप, बताइए खुद बताइए, हम ईसाई हुए हैं, बताओ बताइए, निकाल कर बताइए प्रूफ, आप हिंदू नहीं, आप बताइए ना, दंगे चोट में बोलो ना, दंगे चोट में हम ईसाई हूँ, जब हमारे आस्था पर चोट किए हो आप हमारे इसमें संस्कृति सभ्यता पर खिलवाड़ करके हमारे इनको हमको क्या मतलब है? आप अपने घर में चले, जैसे मैं घर में आप चर्च बना रहे हो, ये तो घर है ना, चर्च ये तो घर है, आप घर में कहाँ लिखा है यहाँ पे चर्च, कहाँ लिखा है चर्च? जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक वीडियो निकल करके आया है जो कि छत्तीसगढ़ का है, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कहां का वीडियो है, और ये वीडियो कल ही के संडे का है। इस वीडियो में दोस्तों कुछ लोग हैं घर पर आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में इन बेरोजगार दल के लोगों को पता लग जाता है, और उसके बाद जा करके जो ये बकवास करते हैं वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और जो मसीह महिला इनको मुँह तोड़ जवाब देती है वो भी मैं अभी आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कहाँ से प्रूफ होता है कि आपका धर्म यहाँ वहाँ जा रहे, बताइए आप, बताइए आप, लोधी हो आप, लोधी रहने के बाद आज के समय में आप ईसाई बन गया हो, एक धर्म के ईसाई नहीं बने, कैसे ईसाई बने? हमारा धर्म हम ईसाई हुए हैं, बताइए आप, बताइए प्रूफ, बताइए हम ईसाई हुए हैं, बताओ बताइए, निकाल कर बताइए प्रूफ, आप हिंदू हो ना, नहीं आप बताइए ना, दंगे की चोट में बोलो ना, दंगे की चोट में हम ईसाई हूँ, जब आप परिवर्तन इतनी हिम्मत रखते हो तो बोलो, किसी को भी मानने का अधिकार है, को आप चेंज किए हो तो अपने आप दंगे की चोट में हम ईसाई हूँ, हम एक साथ पूछ रहे हैं आपको, मैं धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, बोलो आप एक बार, हम क्यों बोले, बोलो ना, हिम्मत रखते हो तो, लोगों का आप दूर दूर कर रहे हो तो छल भाई, आस्था में आप विघ्न डाल रहे हैं, ये तो गलत है ना, किसी का आस्था में विघ्न डाल रहे हैं, नहीं हमने किया, आप ही हमको यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती, एक नहीं आप वो आप हमारे आस्था पर चोट किए हो, आप हमारे इसमें संस्कृति सभ्यता पर खिलवाड़ करके हमारे इनको हमको क्या मतलब है? आप अपने घर में चले, जैसे मैं घर में आप चर्च बना रहे हो, ये तो घर है ना, चर्च ये तो घर है, आप घर में कहाँ लिखा है यहाँ पे चर्च, यहाँ पे कहाँ लिखा है चर्च, ये घर है, ये घर है, यहाँ पर लिखा है बोर्ड, क्या बताइए लिखा रहता है, क्या आपके में लिखा रहता है, यहाँ जगह जगह रखा हुआ है, बीच मंदिर भी रखा है, जगह जगह रखा है, बताइए क्यों, आपको क्या दिक्कत है, जो आप बोल रहे हो दिखना जरूरी है, जो आप बोल रहे हो दिखना जरूरी है, जरूरी है ना भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। 23 तारीख को 23 मई को परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं और एक चंगाई सभा को वो लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये चंगाई सभा सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक अंबेडकर भवन झंडे वाला में होने वाली है। आपकी सभी बीमारियों परेशानियों के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी, कैसी बीमारी आपके जीवन में हो, चाहे लाइलाज बीमारी हो, चाहे आपके पास संतान की आशीष ना हो, चाहे आप कर्जे में हो, चाहे तरह तरह की परेशानियों में आप हो, तो आप आ सकते हैं इस दिल्ली की चंगाई सभा में जो कि 23 मई को होने वाली है सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। एड्रेस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने देखा इस झिंगुर से व्यक्ति को आखिर इसका क्या कहना है। जब ये महिला के साथ बहस कर रहा होता है, जो मसीह महिला होती है उसके साथ, तो ये उसको बोलता है कि तुम लोग ईसाई बन गए हो, तुम इस बात को ठोक बजा करके बोलो कि तुम ईसाई बन चुके हो, डंके की चोट पर बोलो कि तुम ईसाई बन गए हो, लेकिन वो जो महिला है वो साफ मना कर देती है कि कोई प्रमाण दे दीजिए कि हम ईसाई बन गए हैं, हम कोई ईसाई नहीं बने हैं, बस हम विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करते हैं और कानून हमें अधिकार देता है कि हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर लें। अब मैं इस झिंगुर से जैसे व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में जाता है तो क्या वो सिख बन जाता है, क्या उससे ये बात पूछी जाती है कि तुम सिख बन गए हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है? बहुत सारे हिंदू लोग हैं, मैं पंजाब से हूँ, मैं जानता हूँ, जो कि गुरुद्वारों में जाते हैं, जब वहाँ पर लंगर होता है तो वहाँ पर भी जाते हैं, तो क्या उन लोगों को ये लोग बोल सकते हैं कि तुम लोग सिख बन गए हो? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि मस्जिदों के अंदर भी जाते हैं, मजारों के अंदर भी जाते हैं, तो क्या ये लोग उनको बोल सकते हैं इस बात के बारे में कि तुम मुस्लिम बन गए हो? बहुत बड़ी एक तादाद है जो कि हिंदू लोगों की है, जो मजारों में जाती है, उनमें से एक मैं भी रह चुका हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं भी
मजारों पर गया हूँ तब तो मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैं हिंदू धर्म को छोड़ चुका हूँ। तो आखिर जब कोई चर्च में बैठ करके प्रार्थना करने के लिए आता है या किसी के घर पर भी प्रार्थना करने जाता है तो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने का आखिर क्या मतलब बनता है? और यदि चर्च में जाकर के प्रार्थना करना या किसी के घर पर जाकर के प्रार्थना करना धर्म परिवर्तन कहलाता है तो हाँ बिल्कुल वो लोग भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं जो कि हिंदू होकर के गुरुद्वारों में जाते हैं, मजारों पर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो उन लोगों का भी धर्म परिवर्तन हो चुका है। और ये बात ही झिंगुर से आदमी को बोलनी चाहिए और लाउड स्पीकर लगा करके सबको बोलना चाहिए कि कोई गुरुद्वारे में ना जाए, कोई मस्जिद में ना जाए, कोई मजार में, चर्च में, कहीं पर भी ना जाए। लेकिन अगर सिर्फ चर्च को ही टारगेट किया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत है। फिर दोस्तों जो झिंगुर सा व्यक्ति है आखिर में जो बातें बोलता है वो भी आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि तुम लोगों ने यहाँ पर घर को चर्च बना दिया है। आखिर अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर चर्च बना दिया से क्या मतलब है? अगर कोई घर में आकर के आपस में बैठ करके संगति करके प्रार्थना कर रहा है तो उसमें क्या वो चर्च बन जाएगा? तो इस हिसाब से तो फिर तुम लोग भी जगह जगह पर अपने मंदिर बना रहे हो, जो घरों के अंदर बैठ करके तुम कीर्तन करते फिरते हो, तो इसका मतलब तो यही बनता है कि तुम भी हर एक घर को मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हो, रेजिडेंशियल एरिया को मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये लोग दोस्तों मसीह लोगों को आईना दिखाने के लिए आ जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर चर्च बना रहे हो, हालांकि वहाँ पर नॉर्मल आराधना प्रार्थना हो रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ऐसा कहना है कि तुम चर्च बना रहे हो। लेकिन इनको खुद की गिरेबान में झांकना नहीं आता है कि आखिर ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, आखिर ये लोग खुद कितने पानी में हैं, खुद ये चाहे कितने भी कीर्तन कर ले, कितने जागरण कर ले रोड पर, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन अगर कोई टेंट लगा करके चर्च भी लगाएगा तो इनको बड़ा इशू हो जाता है। ये वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, टेंट को हटवा देते हैं, तरह तरह के आरोप लगा देते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर कैसे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, परमिशन कहाँ है? अगर परमिशन होती है तो उसके बाद ये दूसरी बातें बोल करके बस कैसे भी चर्च बंद हो जाए ये कोशिशें करते रहते हैं। बाकी दोस्तों सलूट है उस महिला को जिसने इन मूर्ख लोगों का खुलकर सामना किया और बिल्कुल भी इनसे डरी नहीं, बल्कि जब तक ये बाहर नहीं निकल गए तब तक इनके पीछे पड़ी रही और इनको मुंह तोड़ उसने जवाब दिया। दोस्तों बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरे पास दोस्तों इसी जगह का एक और वीडियो है, इसी घटना का एक और वीडियो है जो कि मैं आपको अगली अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, वो भी बड़ी शर्मनाक वीडियो है, किस तरीके से ये लोग बाइबल को और उसमें पढ़ी जो यीशु मसीह की पुस्तकें होती हैं उनको फेंक देते हैं रोड पर और तरह तरह की बातें बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी दूसरी वीडियो में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो को भी देखने के लिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दें।